जोगिंदर नगर के चौतड़ा व तलकेहड़ पंचायतों में आ रही पानी की समस्या को लेकर लोगों ने जल शक्ति विभाग कार्यालय चौतड़ा में दिया धरना। चौतड़ा व तलकेहड़ पंचायतों का एक प्रतिनिधिमंडल भटेहड़ व मचकेहड़ गांवों की पेयजल समस्या को लेकर जिला परिषद सदस्य व हिमाचल किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष कुशाल भारद्वाज के नेतृत्व में जल शक्ति विभाग के चौतड़ा मंडल के अधिकारियों से मिला तथा दोनों गांवों में पेयजल व्यवस्था को सुचारू करने की मांग की। हिमाचल किसान सभा की भटेहड़ इकाई के प्रधान विष्णु राम व सचिव त्रिलोक चंद तथा मचकेहड़ इकाई की अध्यक्ष कलावती ने बताया, इससे पहले भी गांव वासियों ने अधिकारियों से लेकर सरकार तक पेयजल समस्या के समाधान बारे गुहार लगाई, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। गर्मियों में तो पेयजल का गंभीर संकट गांव वासियों ने झेला, लेकिन बरसात में भी पर्याप्त पेयजल नहीं मिल रहा है। इस अवसर पर कुशाल भारद्वाज ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से आए दिन करोड़ों रुपए की स्कीमें गिनाई जा रही हैं। मैदानों में पड़े पाइप दिखाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश पूरे विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश गांवों में पेयजल की भारी कमी है। उन्होंने आईपीएच अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया कि भटेहड़ के जिस सार्वजनिक नके में बिल्कुल पानी नहीं आता है, उसे 5 दिन के अंदर दुरुस्त किया जाए। यदि पाइप बदलने हैं तो उन्हें भी बदला जाए। इसके अलावा भटेहड़ के जिन अधिकांश घरों में पानी पर्याप्त पानी नहीं आता है, वहां समूची पाइपलाइन को बदलकर बड़े डाया की पाइप बिछाई जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आप स्वयं तय करो कि यह काम कितने दिन में होगा, तो सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता ने कहा कि 15 सितंबर से पहले इस काम को पूरा कर देंगे तथा उसके बाद ऐसी शिकायत नहीं रहेगी। पेयजल संकट है और उसी तरीके से जो है मचकेड़ गांव के अंदर जो हैंडपंप है वो काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ा है। वहां पर भी पीने के पानी की काफ़ी समस्या है। गर्मियों में तो पानी नहीं था बिल्कुल भी, अभी भी समस्या चल रही है। तो अभी जब हम यहां पर आए तो ये बोला गया कि भटेहड़ के अंदर जो सार्वजनिक टैप है जिससे पानी नहीं आ रहा, उसको हम 1-2 दिन के अंदर जो है ठीक करेंगे, जो भी पाइप दबी है जो भी है। और उसके साथ साथ जो गाँव के जो कनेक्शन है उसमें जो है हम हर घर को जो कनेक्शन का काम है और जो पानी पहुँचाने का काम है, उसके लिए समय मांगा कि 15 सितंबर तक हम इसको करेंगे। तो हमने भी वो करेंगे, यहाँ पे हम धरना भी देंगे। और ये सिर्फ 2 गांवों की समस्या नहीं है, और भी कई गांवों में ऐसी समस्या है, तो हम सबको लामबंद करेंगे। लेकिन अभी ये भी कहना चाहते हैं कि आए दिन यहाँ पे शिलान्यास होते हैं। 15 दिन पहले बोलते हैं करोड़ों रुपये के शिलान्यास करके मुख्यमंत्री जी, तो 15 दिन के बाद फिर दोबारा जो है मंत्री जी विधायक जी फिर शिलान्यास कर रहे हैं उन स्कीमों का। तो मेरा ये कहना है कि ड्रामेबाजी खत्म होनी चाहिए। ये जो पिछले काफ़ी लंबे समय से करोड़ों अरबों रुपए की स्कीमें गिनाई जा रही हैं, पाइपें दिखाई जाती हैं, किस समस्या नहीं है। ये सिर्फ लड इलाके की समस्या नहीं है, ये सिर्फ द्रुबल या पिपली साइड की समस्या नहीं है, बल्कि चौंतरा से लेकर के भटेड़ मोहन घाटी तक आगे जो है ये समस्या रही है गर्मियों में भी पूरे इलाके के अंदर। तो जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर पेयजल संकट है, ये हमारे सरकार को भी मानना चाहिए, ये हमारे मंत्रियों को हमारे विधायक जी को भी मानना चाहिए। ये पेयजल संकट अभी भी है, मात्र पाइपें दिखा करके आप इस पेयजल संकट का समाधान नहीं कर सकते। तो हम ये कहने आए हैं कि जो भी जिन गांवों के अंदर ये संकट है इसका समाधान होना चाहिए, नहीं तो हम जो है क्योंकि इस तरीके से जो है आज जिस तरीके की समस्या लोगों को आ रही है उसको जो है सहन नहीं किया जा सकता। और सरकारें जो है रोजाना घोषणा कर रही है, बाकी कुछ हो नहीं रहा पेड़ में, तो यही हम कहना चाहते हैं। जोगिंदर नगर से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट।